नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। मेरे इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो खास तौर पे मेरे गोवा के उन सीक्रेट बीचेस के ऊपर बनाया है, जिनमें से एक बीच का नाम है अरंबोल बीच। अरंबोल बीच में क्या है, वहाँ कहाँ घूमना है, क्या खाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अरंबोल बीच आने के लिए बॉम्बे वीटी स्टेशन से मैंने कोकन कन्या ट्रेन में सफ़र किया है और पैरेनिम स्टेशन पर उतरा हूँ। पैरेनिम स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से अरंबोल बीच सिर्फ 15 किलोमीटर है, यानी कि आप 20 से 25 मिनट में रिक्शा से अरंबोल बीच पहुँच सकते हैं। और चलिए हम जर्नी शुरू करते हैं अरंबोल के लिए। नीचे उतर के मैं यहाँ से रिक्शा कैच करूँगा और फिर यहाँ से सीधे अरंबोल बीच। ओके दोस्तों, तो ये है मेरा एक छोटा सा घर इस बार जो मैं गोवा में, जहाँ पे मैं 5 दिन के लिए स्टे करने वाला हूँ। अक्सर मुझे लग्जरी प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी पसंद आती है जो ठीक समुंदर के सामने हो। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे एक हट में रुका था, लेकिन इस बार मैंने ये कुछ ये अलग सा घर लिया है जो कि एग्जैक्टली बीच के सामने है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है। तो चलिए मैं आपको ये रूम दिखाता हूँ मेरा, जहाँ पर मैं इस बार रुकने वाला हूँ। ये बाथरूम है, एक बेसिक बाथरूम, नॉट सो मच लग्जरी, बट आई एम हैप्पी विद दैट थिंग। मेरा टेस्ट यही है। ये बाथरूम से बाहर निकलते हुए हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे एक बेड है, नीचे मेरा लगेज पड़ा हुआ है। एक बहुत ही बेसिक घर है, मुझे इस तरह का बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की जगह पर रुकना बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह मेरे लेफ्ट में एक मिरर है ड्रेसिंग टेबल के लिए, ड्रेसिंग के लिए, और सामने एक छोटा सा वॉलड्रॉप है, और आगे अगर जाए तो एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है जहाँ पे अगर आपको कोई सामान वगैरह रखना हो। टेबल के ठीक बाजू में एक मस्त बहुत ही अच्छी सी विंडो दी हुई है, इसका व्यू तो मैं आपको खोल के थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। और इसके ठीक अगर थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाऊँ तो एक बहुत ही अच्छी बालकनी दी है। इस बालकनी के बाहर का व्यू जो है वो सबसे मेरा फेवरेट व्यू है। इस व्यू को देख के ही मैंने ये रूम बुक किया है, जहाँ पर आराम से आप बैठ के बियर विस्की वाइन या चाय कॉफ़ी पीजिए और इस समुंदर का मज़ा लीजिए। मुझे लगता है कि आपको भी ये व्यू बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आपको पूरा 360 डायमेंशन में इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो आप मेरी ठीक राइट साइड में जो देख रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी हट्स हैं जिसका रेंट करीब करीब 1200 से लेके 1500 के आसपास है। कुछ हट्स ऐसी भी है जो कि 700-800 रुपये तक भी आपको मिल जाती है। ये जो घर मैंने लिया है इस बार 1200 रुपीज़ पर डे के लिए है और मैंने इसे 5 दिन के लिए बुक किया है। ये छोटी सी बालकनी, अगर आप गोवा आते हो तो आपको इसी तरह की बीच के ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है, जो कि लग्जरी मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे मायनों में, लेकिन मैं इन प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा लग्जरी कहता हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक नेचुरल व्यू मिलता है, सामने समुंदर हो, आसपास कोकोनट के ट्रीज हो, समुंदर के लहरों की आवाज़ आप तक पहुँचती हो, तो इससे खूबसूरत आपको और क्या मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको 5 स्टार में नहीं मिल सकती है। 5 स्टार मतलब एक कॉन्क्रीट प्रॉपर्टी है और ये मतलब एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, आस पास सीनिक ब्यूटी है, और क्या चाहिए आपको जब गोवा वैकेशन के लिए आते हो। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी हो। गोवा में जब भी आता हूँ तो मैं इस तरह की प्रॉपर्टी में रुकना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि 5 स्टार प्रॉपर्टी पे। काफ़ी साल पहले एक बार 5 स्टार प्रॉपर्टी मैंने स्टे किया था नोवाटेल में,
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। मैं वो तो चार दीवारी के अंदर मैं घुट के नहीं रह सकता, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो, आपका घर ठीक समुद्र के सामने हो, आसपास कोकोनट के ट्रीज हो, समुद्र के लहरों की आवाज़ आपके कानों तक पड़े, तो बस ऐसा कुछ मुझे चाहिए। तो वैसा कुछ आपको यहीं पे मिलता है आरंबोल बीच में, जहाँ पे आपको 700 रुपये से लेके 1000-1200-1500 रुपये तक चाहिए वैसी हट मिल जाती है। तो हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कोई अलग प्रॉपर्टी लूँ, यहाँ पे अलग सी हट लूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ अपने तरीके से, और यहाँ पे बेसिक सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। हाँ, एक दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे आपका फ़ोन नहीं पकड़ता, कोई भी नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता एक्सेप्ट BSNL के। तो कम्युनिकेशन के लिए जरिया ये कि यहाँ पे सारे हट्स में वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनेट सिस्टम लगा हुआ है, आप वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए और उसी के माध्यम से आप दुनिया के लोगों से जुड़ सकते हो। लेकिन एक बात कहूँ तो ये भी अच्छा है कि आपका फ़ोन ना पकड़े, ये ज़्यादा अच्छा है ताकि कोई लोग आपको डिस्टर्ब ना करें और आप अपनी हॉलीडेज को बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से इंजॉय करें। सो मैं आरंबोल की मेन स्ट्रीट पे हूँ, मैं आपको यहाँ से आरंबोल की मेन स्ट्रीट से कैसे आरंबोल बीच की तरफ जाना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स हैं शॉपिंग के लिए, आपको कपड़े, आपको एक्सेसरीज, काफ़ी कुछ सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्रेंस के बाद में बीच के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको लेफ्ट का पूरा नज़ारा बता रहा हूँ कि लेफ्ट में बीच किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे कितने शैक्स हैं, कैसे फिर क्या फूड ले रहे हैं, मैं आपको ये दिखा दूँगा। बीच के ऊपर काफ़ी सारे शैक्स हैं जहाँ पे आपको बेहतरीन फूड मिल सकता है, मल्टी क्यूजिन फूड मिलता है यहाँ पे। और कमाल की बात है कि किसी भी शैक्स पे आप चले जाओ, फूड का टेस्ट लाजवाब, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सारे ये शैक्स जो है, जहाँ पे आप आराम से सन पैड लेके बैठ सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ सारे क्यूजिन्स यहाँ पे। एक थोड़ा सा पानी बीच में, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, करीब 8-10 साल से हमने इस तरह का पानी बीच में नहीं देखा है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तरफ देख रहे हो यहाँ पे, आपको ऐसा लगा कि बीच का दी एंड है, लेकिन मैं आपको इस दी एंड के बियॉन्ड लेके जाऊंगा। एक्चुअली आरंबोल बीच का एंड यहाँ पर नहीं है, राइट में जहाँ पे आपको बहुत सारे हट्स दिख रहे हैं वहीं से चल के जाने का दूसरा रास्ता है 15-20 मिनट का। जैसे ही वो आप रास्ता खत्म करोगे तो उसके बाद जो आरंबोल बीच की मेन ब्यूटी है वो ब्यूटी शुरू होती है, एंड दैट इज स्वीट लेक। मैं आपको स्वीट लेक की तरफ भी लेके जाऊंगा और पूरा रास्ता मैं शूट करूंगा और आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा। चलिए पहले फिलहाल लेफ्ट की ओर चलते हैं।
करीब 15 साल पहले हम इस आरंभ बीच में पहली बार आए थे, तब यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी थी, किसी ने हमसे ऐसा कहा था। पार्टी को ढूंढने के चक्कर में इस बीच पर आके चारों तरफ देखे थे कि हमें कहीं पर यहाँ पे एक पार्टी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि राइट तरफ राइट की तो वहीं पर एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी है, तो हमने हमारी राइट तरफ जो कि मेरे पिछली तरफ जो है अरंबोल बीच की सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त जगह है, जिसके लिए दीवाना हूँ और 10 साल से मैं इस बीच में यहाँ पे आता हूँ। चलिए दोस्तों आप सभी को स्वीट लेक के बारे में, आप तो सामने की तरफ का रास्ता देख रहे हो, ये पूरा दी एंड है इस बीच का, लेकिन यहीं पे साइड में छोटा सा पतला सा रास्ता है जिस पे चल के हम स्वीट लेक की ओर पहुंचेंगे। करीब करीब 15 से 20 मिनट का ये रास्ता है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होगा आपको लेफ्ट साइड में समुंदर दिखेगा और राइट साइड में एक छोटा सा लेक है, और यही इस आरंबोल बीच की सबसे ब्यूटी है जो मैं आज आप सबको दिखाने का। ये जो रास्ता है सीधा स्वीट लेक की तरफ जाता है, अगर आप आगे देख सको तो देखिए आगे छोटे से स्टेयरकेस दिए हुए हैं जिसपे चढ़कर आपको टूवर्ड्स लेफ्ट में आपको धीमे 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 जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ जहाँ से आगे बढ़ना है, करीब 15 से 20 मिनट का 20 मिनट का रास्ता है। जैसे ये रास्ता ख़त्म होगा आपको स्वीट लेक दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Thank you.
वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हो वो अरंबोल बीच का सबसे खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अरंबोल बीच का सबसे सीक्रेट एरिया है जहाँ पे मैं इस वक्त आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। काफ़ी सारे लोग अरंबोल बीच आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर स्वीट लेक कहाँ है। मैंने आपको स्वीट लेक के पूरे वीडियोज पूरे फुटेज आपको दिखाए हैं। आप स्वीट लेक के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में समुंदर को देख सकते हो और इस समुंदर के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में जो था वो स्वीट लेक था जिसका मैंने आपको वीडियो शूट किया। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। इस वक्त थोड़ी सी हाई टाइड बढ़ गई है, समुंदर की लहरें और भी तेज हो गई है। यहाँ पर रुकना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, समुंदर की लहरें और बढ़ गई थी। यहाँ से बीच के एक उम्मीद करता हूँ कि आपको अरंबोल बीच का ये सीक्रेट बीच यानी कि सीक्रेट लेक स्वीट लेक पसंद आया। स्वीट लेक के इस वक्त दी एंड पे हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग आके सर्वे काफ़ी लोग आके बैठते हैं, बियर पीते हैं, बॉस्टिंग करते हैं, बातें करते हैं। इस बीच की सबसे सबका फेवरेट बीच अगर गोवा में कोई है तो वो अरंबोल बीच है और दूसरा बीच अगर उनका कोई फेवरेट है तो वो है पालोलियो बीच। अरंबोल बीच के काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है और इसके बाद आखिरी के तीन दिन जो है मैं आप लोगों का उनका पालोलियो बीच है उसके काफ़ी सारे दृश्य शूट करके मैं आप तक भेजूंगा और आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज की ये पार्टी ट्वाइस इन नेचर है, बहुत ही धमाल होने वाली है। उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय किया मेरे साथ साथ में। करीब करीब मुझे नाचते हुए घंटा हो गया है और मैं सागर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पार्टी बहुत अच्छी लगी और अच्छी लगी तो अगले बार जब भी गोवा आएगा तो अरंबोल और अरंबोल आएगा तो ट्वाइस इन नेचर में जरूर आएगा। अच्छा I'm gonna go get some more.
कि मैंने आपसे कहा था कि ट्वाइस इन नेचर के बाद मैं आपको ले चलूंगा एक दूसरी जगह जो सुबह 4 बजे तक खुली रहती है और यहाँ पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है, जिसका नाम है बोर्च। मेरे पीछे आप इसका बोर्ड देख सकते हैं। Yeah, I'm going to go to the store.